नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका खाऊ दोस्त संजीव सेठ आपको ले चल रहा हूँ एक स्वादिष्ट और मज़ेदार खाने के सफ़र पर। दोस्तों आज हम मुंबई के एक पॉपुलर सबर्ब में जा रहे हैं, बांद्रा। जी हाँ, बांद्रा का नाम सुनते ही बस एक खुशी की लहर आ जाती है, क्योंकि वहाँ की वो दुकानें, वहाँ के रेस्टोरेंट्स, वहाँ का जो सी साइड है इतना खूबसूरत है कि क्या कहना। तो हम आज बांद्रा जा रहे हैं और वहाँ पर हम मतलब वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएँ, वहाँ जाकर देखेंगे, थोड़ा चूज़ करेंगे और सेलेक्ट करेंगे और कौन सा रेस्टोरेंट हमें सबसे इनवाइटिंग लगेगा, जिसका खाना हमें लगेगा कि बहुत स्वादिष्ट हो सकता है, आज हम वहाँ जाएंगे। तो चलते हैं बांद्रा और वहाँ चलकर डिसाइड करते हैं कि क्या खाना है और आपको क्या दिखाना है। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, चलिए देर मत कीजिए, चलिए। अरे ये क्या दोस्तों, हमसे पहले तो लता जी पहुंच गई हैं गाड़ी के पास। लगता है इन्हें मुझसे ज़्यादा जल्दी है बांद्रा जाने की और बांद्रा में कुछ जाकर खाने की, खुश तो बहुत लग रही है। चलिए चलिए बैठिए, देर हो रही है, रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाएगी ना, फिर खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। चलिए चलिए जल्दी चलते हैं, बाय 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 बाय। हम क्रॉस कर रहे हैं मुंबई का फेमस जुहू स्कीम। जुहू स्कीम आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पर बहुत सारे फिल्म स्टार्स, फिल्म एक्टर्स रहते हैं, छोटे छोटे खूबसूरत बंगलोज हैं यहाँ पर। और ये दोस्तों सामने ये है अमिताभ बच्चन का बंगलो, पुराना वाला बंगलो प्रतीक्षा, जहाँ पर वो रहा करते थे। अब तो उनका घर जुहू स्कीम में ही है, लेकिन शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ से, लेकिन बंगला उन्हीं का है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुराना, एक लैंडमार्क है। और एक ज़माने में वो खुद बाहर आते थे और हर संडे को अपने चाहने वालों से मिलते थे और उनका धन्यवाद करते थे। अब वो प्रैक्टिस वो अपने नए बंगले से करते हैं। तो ये है जुहू स्कीम फ्रेंड्स, खूबसूरत जुहू स्कीम, नाइस बंगलोज, नाइस प्लेस। आई लव मुंबई फ्रेंड्स, जी हाँ, वी ऑल लव मुंबई। मुंबई एक बहुत खूबसूरत शहर है और हम इस शहर के एक बहुत ही खूबसूरत सबर्ब से गुजर रहे हैं, जुहू स्कीम। बहुत ही प्यारी जगह है, जुहू बीच यहाँ से बहुत पास है और यहाँ के बंगले या गलियों में बहुत सारे फिल्म स्टार्स रहते हैं। और ये रहा अमिताभ सर का नया बंगलो, बारिश की वजह से ढक दिया गया है ये। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा, पता नहीं सर अंदर है कि नहीं है, लेकिन हम तो सर को नमस्कार करके निकल रहे हैं। नमस्ते सर। दोस्तों एक और खूबसूरत लैंडमार्क JW मैरियट होटल, एकदम जुहू बीच पर है। बस इस होटल के पीछे ही जुहू बीच है, समुंदर के किनारे पर है और यहाँ पर बहुत फंक्शंस वगैरह, शादियाँ बहुत होती हैं यहाँ पर, और रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सुना यहाँ का ब्रेकफास्ट जो बुफे है वो भी बहुत अच्छा होता है, किसी दिन आएंगे और आपके साथ यहाँ पर बुफे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फेमस जुहू बीच। सुबह हो शाम हो यहाँ पर लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। दोपहर का समय है पर अभी जुहू बीच क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर 5 मिनट गुजारने तो बनते ही हैं। तो बस गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं और चलते हैं आपको लेकर जुहू बीच। जरा 5 मिनट घूमेंगे फिर आगे बढ़ेंगे खाने की ओर। बस अब पार्किंग ढूंढ लें फ्रेंड्स। मुंबई में कहीं पर भी जाओ तो खाने की कमी नहीं होती। ये देखिए हमें रास्ते में कौन सी गाड़ी मिली, इमली, कैरी, बोर, जामुन, अलग प्रकार की चटपटी चीज़ें हैं यहाँ पर। क्या बात है भैया, पूछने दें, लेकिन हमें तो जाना है खाना खाने। अब ये खा लेंगे तो पेट भर जाएगा। चलिए जुहू बीच। सागर किनारे दिल ये पुकारे कि तू यहाँ क्यों है मेरे सहारे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फेमस जुहू बीच। देखिए लोगों की भीड़, मैंने जैसे अब कहा सुबह शाम यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर पहले के ज़माने में बहुत सारे फूड स्टॉल हुआ करते थे, लेकिन अब कम है, 4-5 एक ही जगह पर उन्होंने जैसा फूड कोर्ट जैसा बना दिया है और चटपटी चीज़ें मिलती हैं खाने को। कभी आएंगे और यहाँ पर वो चाट और पाव भाजी और डोसे के स्टॉल्स हैं वो ज़रूर खाएँगे। हाँ ये भी खाएंगी क्योंकि इन्हें वो चटपटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जुहू बीच में आकर इनके मुँह में आ रहा है पानी, लेकिन हमने खाना खाने जा रहा है कुछ और, तो इसलिए आज सिर्फ देखेंगे और अगली बार आकर खाएंगे। आइए थोड़ा घूमते हैं।
दोस्तों वो जो सामने नज़र आ रहा है कॉर्नर में वो है भेंड्रा का ढांडा एरिया। बस हम जहाँ खाना खाने जा रहे हैं उसी के पास है। अब लग रहा है मुझे कि टाइट ज़रा कम है, इसलिए जगह बीच पर काफ़ी है चलने फिरने की। कॉलेज स्टूडेंट्स बच्चे खूब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और हमें भी आज यहाँ पर आके बड़ा ही नॉस्टैल्जिक फील होता हो रहा है, क्योंकि एक बार जब हम जूहू बीच के नज़दीक रहा करते थे तो हर सुबह यहाँ पर हम मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे या जॉगिंग करने के लिए आया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। लेकिन हम जूहू बीच से थोड़ा दूर चले गए हैं इसलिए यहाँ पर आना बहुत कम होता है। मुंबई में रहते हैं फिर भी हम पता नहीं कितने सालों बाद आज जूहू बीच आए हैं, और अब आए हैं तो जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि भूख सबको लग गई है और सब मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं। देखिए इनको बहुत भूख लगी है और इनको खाना है खाना। तो बस जूहू बीच आएंगे किसी दिन और आराम से आपके साथ बातें करेंगे और यहाँ पर खट्टी मीठी चीज़ें खाएंगे। अब चलिए चलें भेंड्रा। तो दोस्तों ये है मुंबई का फेमस बांद्रा वेस्ट का लिंकिंग रोड। इस रोड के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, कोई ऐसी दुकान कोई ऐसा सामान नहीं है जो लिंकिंग रोड पर नहीं मिलता। और जो भी हमारे दोस्त मुंबई के बाहर रहते हैं और वो यहाँ आते हैं मुंबई तो लिंकिंग रोड आना ज़रूर नहीं कभी नहीं भूलते। और बाहर के लोग क्यों, हमारे घर वाले लोग, हमारी लता जी ये भी लिंकिंग रोड को नहीं छोड़ती। क्यों, कब आ रही है नेक्स्ट टाइम? इस बार अकेली नहीं आऊंगी, इस बार अपने सारे व्यूअर्स को साथ में लेके आऊंगी और उनके साथ में शॉपिंग व्लॉग करेंगे हम लोग लिंकिंग रोड का। वाओ, आई जस्ट लव दिस रोड साइड शॉपिंग, इसका तो मजा ही कुछ और है। अरे क्यों ना हो, ये हर लेडीज की फेवरेट रोड है लिंकिंग रोड। जिसको भी पूछो कहाँ जा रहे हो शॉपिंग के लिए, लिंकिंग रोड। बस तो लता जी दिखाएंगी आपको शॉपिंग व्लॉग और मैं आपका खाऊ दोस्त एक दिन आपको दिखाऊंगा यहाँ पर आके ईटिंग व्लॉग, क्योंकि इनका काम है शॉपिंग, हमारा काम है ईटिंग। मुझे तो मन कर रहा है अभी उतर जाऊं। देखिए छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, हर टाइप की दुकान, हर टाइप का सामान, हर रेट का सामान आपको मिलेगा यहाँ पर। और ये यहाँ का सबसे फेमस एरिया है, यहाँ की छोटी छोटी ओपन मार्केट जिसे कहते हैं। ये हाँ, ये देखिए जूते ही जूते भरे पड़े हैं आज तो यहाँ पर, और आगे कपड़े भी हैं। जी हाँ, ये एक टाउन में भी एक स्ट्रीट है, उसका नाम क्या मैं भूल गया, फैशन स्ट्रीट। हाँ, वो कोलाबा में है फैशन स्ट्रीट और ये बांद्रा की है फैशन स्ट्रीट। तो ये था दोस्तों लिंकिंग रोड। अब बस हम अपने डेस्टिनेशन के पास ही हैं, एक ऐसी रोड पर जा रहे हैं जो कि लिंकिंग रोड की तरह ही फेमस है, जिसका नाम है हिल रोड। और हिल रोड भरा हुआ है रेस्टोरेंट से और ऐसी कई बड़ी छोटी दुकानों से। तो हिल रोड जाकर देखेंगे कि वहां पर कौन सा रेस्टोरेंट हमें अपनी तरफ बुलाता है और हम वहां जाकर आपके साथ खाना खाएंगे। तो चलें हिल रोड। दोस्तों ये है हिल रोड का फेमस एल्को वेज रेस्टोरेंट। यहाँ पर ये एल्को का जो रेस्टोरेंट बन गया, एक ज़माने में छोटी सी चाट की रेडी हुआ करती थी और चाट बेच बेच कर इस आदमी ने देख लीजिए इतना बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोल लिया, तो चाट की क्वालिटी डेफिनेटली अच्छी होगी। आएंगे एक दिन चाट भी खाने। बाकी अब हिल रोड तो देख ही रहे हैं, दुकानों से और शॉपिंग से भरा हुआ। लता जी की इधर हालत हो रही है ख़राब, कह रही हैं कि मुझे यहीं उतार दो और आप आगे चलो, लेकिन इनको शाम को एक्सरसाइज करनी है, इनका एक्सरसाइज का सेशन है जो ये हर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लेती है शाम को 5 बजे। तो टाइम पर तो पहुँचना ही है, खुद भी एक्सरसाइज करेंगी और दूसरों को भी कराएंगी, क्योंकि अभी अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पर थाली सिस्टम है, और थाली हमें मिल जाए ना तो और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये रहा वो रेस्टोरेंट, जय हिंद नाम है इसका। हाँ तो हम पहुँच गए जय हिंद रेस्टोरेंट और यहाँ पर लेंगे हम थाली का मज़ा। लता जी आप उतरिए और हम गाड़ी पार्क करके आते हैं। ये है मुंबई का फेमस जय हिंद लंच होम, और ये भी हम हिल रोड बांद्रा वेस्ट में है, और इनकी एक ब्रांच यहाँ पर पाली हिल में भी और मुंबई में भी कई कई जगह पर इनकी 5-6 ब्रांचेज हैं। और हमने सुना है कि ये अपने मालवानी खाने के लिए यानी कि कोस्टल फूड के लिए बहुत फेमस है, और थाली सिस्टम चलता है यहाँ पर, अलग अलग प्रकार की थाली मिलती हैं और वेजिटेरियन डिशेज भी बहुत सारी हैं। तो बाकी बातें अंदर जाकर होंगी, देखें यहाँ पर क्या क्या मिलता है और खाना कैसा है। आइए हमारे साथ चले जय हिंद लंच होम। जय हिंद, चलिए। तो दोस्तों पहुंच गए हम जय हिंद के अंदर फाइनली, और आप देख रहे हैं कि लता जी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो पास वाले रेस्टोरेंट में सिल्वर खा रही है, क्योंकि उन्हें अपनी पसंदीदा वेज थाली वहाँ पर नहीं मिली। तो हम खाते हैं थाली और आपके साथ शेयर करते हैं हमारी इस थाली के थॉट्स। आ जाओ भैया अभी जल्दी,
तो खाओ दोस्तों, मुंबई में ऐसे छोटे छोटे कोस्टल फूड के रेस्टोरेंट्स बहुत हैं। और कोस्टल फूड्स की स्पेशलिटी क्या होती है आप तो जानते हैं, कोस्टल फूड यानी कि सी फूड। तो ये भी एक ऐसी चेन है जय हिंद जो पूरे मुंबई में है और ये कोस्टल फूड के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप कभी बांद्रा में हो या फिर बांद्रा ईस्ट में हो, लोअर परेल में हो, एल्फिंस्टन रोड में हो, तो भी आपको जय हिंद रेस्टोरेंट मिल जाएगा। तो आई थिंक सी फूड लवर्स को ऐसे रेस्टोरेंट में आकर खाना ज़रूर खाना चाहिए। वेजिटेरियंस आपके लिए यहाँ पर है बहुत सारी वेजिटेरियन डिशेज, लेकिन सब पंजाबी डिशेज हैं। अगर आप कोस्टल डिशेज़ के लिए यहाँ पर आएंगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल वेजिटेरियन डिशेज बिल्कुल नहीं है। पंजाबी में बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपके लिए तो बहुत कुछ है। तो दोस्तों आप सरप्राइज हो गए होंगे कि हम यहाँ कैसे आ गए। अभी क्या है, जहाँ हम खाना खाने गए थे वहाँ पर लता जी की मनपसंद वेज थाली है नहीं, तो ये आ गई हैं योकोस में सिजलर खाने के लिए। अब हम खाएंगे जय हिंद में थाली और ये खाएंगी योकोस में बैठकर सिजलर, ठीक है। तो और खाने के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, चाहे मुझे अकेले बैठ के क्यों ना खाना पड़े। तो ये भी अकेले, हम भी अकेले, लेकिन हमारे साथ आप हैं। तो चलिए हम थाली एंजॉय करते हैं और आप अपना सिजलर एंजॉय कीजिए। चलिए तो खाओ दोस्तों, फाइनली हमारा खाना आ गया है और खाना ये तो पूरा फीस लग रही है मुझे। मेरे सामने है सुरमई थाली। ओहो, ये देखिए सुरमई का बड़ा सा फ्राइड पीस है इसके अंदर। साथ में दिए हैं इन्होंने चावल और ये साथ में ग्रेवी है फिश की, सोल कड़ी है, ये पापड़ है, मूंग कंची एंड नाइट, भूख बहुत लगी है सॉरी। साथ में है ठेचा, अचार, प्याज, नींबू और ये हमने मंगाया साथ में नीर डोसा। तो एक बाइट लेनी तो बनती है फिश के साथ। वाओ, सॉफ्ट नरम नरम फिश, तो ग्रेवी में डिप करेंगे और ये जाएगी। यमी, इतनी दूर आए हैं, इतने ट्रैफिक से गुजर के आए हैं, लेकिन खाना मनपसंद का मिल गया है। और एक और थाली मैंने मंगाई है, वो भी दिखाता हूँ। इसके अंदर है चिकन, ये भी है कोस्टल चाय चिकन मसाला, इसमें राइस, चिकन की ग्रेवी, सोल कड़ी, बाकी सब में ठेचा और ये श्रिम्स ड्राई प्रॉन्स। ये ज़रा खा के इसका टेस्ट करके देखता हूँ कैसे हैं। ये सुपर फ्रेश है और बहुत ही अच्छे स्पाइसेस पड़े मुझे खाकर। और ये चिकन, चिकन की भी एक बाइट ली जाए, बाद में खाई जाएगी फिश। मसाला टेस्ट करते हैं पहले। जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है। तो खाओ दोस्तों, अब खाते हैं और खाते खाते आपसे बहुत सारी बातें और करेंगे। अब रुका नहीं जा रहा, भूख बहुत लग गई है सच में। खाओ दोस्तों, खाने का ले रहे मज़ा। और एक और डिश हमने आपके लिए मंगाई है प्रॉन्स, और वो प्रॉन्स इनकी स्पेशलिटी है। तो देखिए इसे कहते हैं आगरी प्रॉन्स या आगारी प्रॉन्स। देख के लगता है कि ये प्रॉन्स काफ़ी स्पाइसी हैं और आई थिंक दे आर ऑन फायर। मालवणी मसाले से, कोस्टल मसाले से भरे हुए हैं, स्पाइसी हैं लेकिन टॉलरेबल है, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, खा सकते हैं एंड रियली डिलीशियस। प्रॉन का साइज भी बहुत अच्छा है, बट बिग एंड एंजॉयबल। ऑन द होल फूड इज़ गुड और मज़ा आ रहा है, फिर बातें करेंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों नीर डोसा तो हमने कर दिया ख़त्म, अब ये चावलों के साथ हाथों से रस्सा मिला के जो आएगा मज़ा अम्मा। ये ठेचा ना सच में इतना फ्रेश और स्पाइसी है, बहुत स्वादिष्ट है। हरी मिर्चें, थोड़ा सा नारियल भी पड़ा है यार, ऑल द वर्ल्ड। साथ में फायरी प्रॉन्स, सच्ची में डेडली कॉम्बिनेशन, डेडली फूड। हाँ हाँ
दोस्तों खाना खा लिया भर पेट और पी ली हमने ये सोल कड़ी, खाने को हजम करने में बहुत मदद करती है। और ये हमारे दोस्तों ने दिए सजेशन बुक, जिसमें हम लिखेंगे हमारे सजेशंस और बताएंगे। दोस्तों हमारा खाना तो हो गया है, अब लता जी अंदर क्या कर रही हैं जाकर देखते हैं। छुप छुप के अकेले अकेले खा रही हैं, हम भी छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे उनको रंगे हाथ। आइए। देखा फ्रेंड्स, खाऊ दोस्तों ये भी है हमारी असली खाऊ दोस्त। हमारा तो खाना हो गया लेकिन इनका खाना अभी भी चल रहा है। तो आप क्या खा रही हैं योकस में बैठ के अकेले अकेले, बताइए। वेज सिजलर, क्या बात है। इसकी सिजल तो खत्म हो चुकी है लेकिन लता जी अभी भी सिजलिंग हॉट है कि नहीं? दिस इज ऑल्सो हॉट। ठीक है, एंजॉय कीजिए। अब हम आप यहाँ बैठ कर आपको देखते हैं। तो दोस्तों खाओ दोस्तों, ये था हमारे आज का लंच का सफ़र और हम दोनों थे अलग अलग। इन्होंने खाया कुछ और हमने खाया कुछ और। पहले हम अपने खाने के बारे में आपको बात बताते हैं। खाना अच्छा था लेकिन उतना नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा कोस्टल फूड हमने कई जगहों पर खाया हुआ है। प्राइसिंग भी ठीक ठाक थी, मतलब कह सकते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पे था। अगर यहाँ पर दो लोग अच्छे से लंच खाए ना, तो हमारे जैसे जो खाने के शौकीन हैं, इनको फ़िश भी खानी है, ये भी खाना है, वो भी खाना है, तो 1500-1600 रुपए तक बिल आएगा, यानी कि अराउंड 700 रुपीज़ पर हेड। और वैसे इस जगह का लोकेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, एक गूगल लिंक दे दूँगा। अगर आप यहाँ आकर इस खाने को ट्राई करना चाहें तो प्लीज़ आइए, ट्राई कीजिए और एन्जॉय कीजिए कोस्टल फूड एट जैन रेस्टोरेंट इन बैंड्रा वेस्ट ऑन हिल रोड। और लता जी आपका खाना कैसा था, आपने क्या खाया? मैंने खाया वेज सिजलर, योकोस का बहुत फेमस है, वो खाया, सुपर सुपर सुपर। और प्राइस भी बता दूंगी। वैसे तो फ्रेंड्स वो एक सिजलर दो लोग शेयर करते हैं, हाँ। लेकिन आप जानते हैं मुझे, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगती है और एक्सरसाइज की मोटिवेशन भी यही होती है कि मैं पूरा सिजलर ख़त्म कर सकूँ। जी हाँ। तो मैंने बड़े आराम से जो है पूरा सिजलर सपाट चट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। वैसे पूरा सिजलर अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। वेज तो क्या है, बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं उसमें, वेजिटेबल की पैटीज होती है, बहुत सब्जियाँ थी, बस थोड़ा सा चेंज किया मैंने, जैसे फ्रेंच फ्राइज की जगह मैश पोटेटोज ले लिए और आई रिलिश्ड इट। एंड ऑल्सो मैं भी प्राइस बता देती हूँ, मुझे काफ़ी वर्थ द प्राइस लगा एक्चुअली, 750 रुपीज़ था। और ख़ास बात ये थी कि मेन्यू में जो प्राइजेस लिखे थे उसमें जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं, GST टैक्सेस सब ऐड करके ही लिखे हुए थे। तो क्या होता है, जो था उससे आपको एक्स्ट्रा नहीं पे करना है। और अगर थोड़े मॉडरेट भूख वाले लोग जाएँ तो वो एक सीजर में दो लोग आराम से खा सकते हैं। तो खाओ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे कई ब्लॉग्स आपके पास हम लाते रहेंगे। अगले ब्लॉग तक इंतज़ार कीजिए और तब तक बस खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद। आइए चलिए साथ में, तो चलिए खाना अलग अलग खाया तो क्या हुआ, साथ में तो चल ही सकती हैं। आइए।